आजाद सिपाही ने अपना नया ऐप लॉन्च किया है। आप उसे प्ले स्टोर पर जाकर आजाद सिपाही टाइप कर उसे इंस्टॉल कर सकते हैं। झारखंड में भी भाजपा के 75 पार के सांसदों पर लटक सकती है तलवार। अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और कलराज मिश्र को नहीं मिला टिकट। झारखंड के कड़िया मुंडा और रामटहल चौधरी हैं 75 पार। वीडी राम, रविंद्र राय, पशुपतिनाथ सिंह, सुदर्शन भगत पर भी लटकी है तलवार। चतरा सांसद सुनील सिंह को भी लेकर तरह तरह की चर्चाएं। आजाद सिपाही के खबर विशेष में आपका स्वागत है, मैं हूँ राकेश सिंह। खबर विशेष में आज हम बात कर रहे हैं लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा के टिकट बंटवारे की रणनीति की। भाजपा ने गुरुवार को पहले चरण में 182 लोकसभा क्षेत्र के लिए अपने प्रत्याशियों की सूची जारी की है। इस सूची में पार्टी के भीष्म पितामह लाल कृष्ण आडवाणी का नाम नहीं है। इसके अलावा वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी, कलराज मिश्र, हुकुम देव नारायण यादव सहित कई नेता हैं जिन्हें भाजपा मैदान में नहीं उतार रही है। इन सभी नेताओं की एक समानता ये है कि इन सबकी उम्र 75 पार है। भाजपा ने पहले ये घोषणा की थी कि पार्टी 75 पार वाले नेताओं को चुनाव में नहीं उतारेगी, लेकिन कुछ दिनों पहले भाजपा की तरफ से ये बयान आया था कि आडवाणी जोशी को चुनाव लड़ाया जाएगा, लेकिन जब टिकट घोषित हुआ तो आडवाणी और जोशी की सीट पर दूसरे को उतारा जा रहा है। लालकृष्ण आडवाणी की जगह भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह गुजरात के गांधीनगर से चुनाव में उतरेंगे। जाहिर है कि एक बार फिर भाजपा में टिकट का इंतजार कर रहे 75 पार के नेताओं की सांसें अटकी हुई हैं। पेश है आजाद सिपाही के राजनीतिक संपादक ज्ञान रंजन की रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव के लिए कमर कस चुकी भारतीय जनता पार्टी ने जहां सभी राज्यों में संगठन को रेस कर दिया है, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पार्टी के सांसदों और केंद्रीय मंत्रियों के कामकाज पर गहरी निगाह रखे हुए हैं। प्रधानमंत्री ने हाल ही में अपने नमो ऐप पर सांसदों के कामकाज पर जनता की राय मांगी थी। बताया जा रहा है कि बड़ी संख्या में लोगों ने अपने अपने क्षेत्र के सांसदों के बारे में राय जाहिर की है और अब लोकसभा चुनावों के लिए उम्मीदवारों का चयन करते हुए जनता की राय पर भी गौर किया जा रहा है। जानकारी के अनुसार दिल्ली में चल रही संसदीय बोर्ड की बैठक में प्रत्याशी के हर पहलू का आकलन किया जा रहा है। भाजपा ने उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। पार्टी सूत्रों के अनुसार इस बार करीब करीब तय हो गया है कि 75 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को टिकट नहीं दिया जाएगा। भाजपा ने लोकसभा चुनाव के लिए आखिरकार अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। गुरुवार शाम जारी हुई इस लिस्ट में 182 उम्मीदवारों के नाम हैं, जिनमें प्रधानमंत्री मोदी के अलावा अमित शाह का नाम भी है। मोदी जहां वाराणसी से चुनाव लड़ेंगे, वहीं शाह को गांधीनगर सीट पर उम्मीदवार बनाया गया है। लिस्ट में कई नाम वे हैं जो पहले से तय माने जा रहे थे, लेकिन कुछ नाम या बदलाव चौंकाने वाले रहे। भाजपा अध्यक्ष अमित शाह गांधीनगर सीट से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। अब तक ये सीट भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी के पास थी। हालांकि आडवाणी अकेले ऐसे नेता नहीं हैं जिन्हें पार्टी ने अपनी पहली लिस्ट में स्थान नहीं दिया है। आडवाणी के अलावा भाजपा की पहली लिस्ट में उत्तराखंड के जिन उम्मीदवारों के नाम घोषित किए गए हैं, उनमें पौड़ी गढ़वाल से सांसद रहे राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री भुवन चंद्र खंडूरी का नाम नहीं है। खंडूरी के बेटे हाल ही में कांग्रेस में शामिल हुए हैं। पार्टी ने पूर्व सीएम की बजाय इस सीट से इस बार तीरथ सिंह रावत को टिकट दिया है। इसी तरह राज्य में एक और पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोशियारी का नाम पहली लिस्ट में नहीं है। कोशियारी ने नैनीताल सीट से चुनाव लड़ा था। उनकी जगह पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट को मैदान में उतारा है। हालांकि कोशियारी ने खुद ही चुनाव न लड़ने की घोषणा की थी। यूपी की बात करें तो यहां भी पार्टी ने अपनी पहली लिस्ट में 2014 में कानपुर से चुनाव जीतने वाले पार्टी के वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी का नाम शामिल नहीं किया है। आडवाणी की तरह जोशी के टिकट को लेकर लिस्ट जारी होने के पहले से ही आशंकाएं जताई जा रही थीं। देखा जाए तो भाजपा ने अब तक जितने भी बड़े नेताओं को टिकट नहीं दिया है, उनमें सभी 75 पार हैं। इनमें अधिकांश ऐसे नेता हैं जो भाजपा के शुरुआती समय से ही पार्टी की रीढ़ थे। झारखंड में लोकसभा टिकट को लेकर संसदीय बोर्ड की बैठक में अब तक चर्चा नहीं हुई है। जानकारी है कि जिन प्रदेशों में चौथे चरण से चुनाव शुरू हो रहा है, वहां के प्रत्याशियों के नामों की घोषणा 1-2 दिनों में की जाएगी। 75 पार की फेहरिस्त में देखा जाए तो झारखंड से भाजपा के 2 सांसद आते हैं, खूंटी सांसद और पूर्व लोकसभा उपाध्यक्ष कड़िया मुंडा और रांची के सांसद रामटहल चौधरी। कड़िया मुंडा 82 साल के हो गए हैं, वहीं रामटहल चौधरी 77 साल के हैं। दोनों ने लंबे समय तक इन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व किया है। जब देश में भाजपा के 2 सांसद थे, उस समय झारखंड से एक कड़िया मुंडा सांसद हुआ करते थे। जिस तरह से संसदीय बोर्ड ने अब तक भाजपा के वरिष्ठ नेताओं की उम्र को देखते हुए टिकट नहीं दिया है, उस हिसाब से कड़िया मुंडा और रामटहल चौधरी पर तलवार लटक सकती है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार झारखंड में भाजपा आधा दर्जन सांसदों को दोबारा टिकट नहीं देने जा रही है। हालांकि इसको लेकर अभी भी मंथन चल रहा है। एक सीट पर उम्मीदवार बदलने की भी चर्चा हो रही है।
हालांकि एक दो दिनों में सूची भी सार्वजनिक हो जाएगी। अभी तक टिकट कटने को लेकर जो प्रमुख कारण सामने आ रहे हैं उनमें अधिक उम्र से लेकर संगठन और आरएसएस की पसंद नापसंद भी शामिल है। राज्य सरकार से बेहतर संबंध नहीं होना और रघुवर सरकार की नीतियों की आलोचना अथवा सार्वजनिक तौर पर अवहेलना करना भी सांसदों पर भारी पड़ सकता है। पार्टी सूत्रों की माने तो सबसे बड़ा कारण उम्र दराज होना ही है और पार्टी ये मानकर चल रही है कि संगठन मजबूत होगा तो कोई भी जीत जाएगा। स्कूलों का मर्जर करने के केंद्र के आदेश के खिलाफ पत्र सार्वजनिक करने वाले सांसद रविंद्र राय भी निशाने पर हैं। पब्लिक डोमेन पर राज्य सरकार की नीतियों की आलोचना को केंद्रीय संगठन ने गंभीरता से लिया है। इसके अलावा चतरा को लेकर भी तरह तरह की चर्चा है। पार्टी सूत्रों की माने तो पलामू सांसद वीडी राम और धनबाद के सांसद पशुपतिनाथ सिंह भी रडार पर हैं। लोहरदगा का सांसद सुदर्शन भगत को लेकर भी संशय है और उन्हें बदलने पर विचार चल रहा है। मोदी लहर में भी उन्होंने सबसे कम अंतर से जीत दर्ज की थी, जबकि उनके लिए आसान राह बना दी थी चमरा लिंडा ने। कांग्रेस के रामेश्वर राह की जीत पर ब्रेक लगा दिया था। वैसे भी सुदर्शन भगत ने ऐसा कोई काम नहीं किया है जिससे लोहरदगा गुमला के लोग उन्हें याद करें। अभी हाल ही में जिस प्रकार भाजपा सांसदों के टिकट कटे हैं उससे इन दावों को भी बल मिल रहा है। आजाद सिपाही के खबर विशेष में अभी इतना ही। खबरों की और भी अधिक जानकारी के लिए आप पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही और आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जुड़े रहिए आजाद सिपाही के साथ। धन्यवाद।